हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ स्क्रब अप चैलेंज। इस वीडियो में मैं अपने हाफ फेस के ऊपर स्क्रबिंग करूंगी, जिससे आपको डिफरेंस पता चलेगा दूसरी साइड से कंपेयर करने के बाद कि स्क्रब करने के बाद आपकी स्किन कितनी ग्लो करती है और कितनी क्लियर लगती है। तो यही स्क्रब अप चैलेंज का मेन मतलब है। तो यहाँ पर जो मैं स्क्रब यूज करने वाली हूँ वो है एल्प्स गुडनेस का नीम प्यूरिफाई फेस स्क्रब। ये वाला स्क्रब यूज करने वाली हूँ मैं। इसे मैं काफी दिनों से यूज कर रही हूँ, तो इसका छोटा सा रिव्यू भी देख लीजिए, उसके बाद करते हैं हम स्क्रब रब चैलेंज। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये है एल्प्स गुडनेस का नीम प्यूरिफाइंग फेस स्क्रब। कुछ ऐसी प्लास्टिक टाइप की टब में आपको रिसीव होता है। इसकी जो क्वांटिटी है उन्होंने 29 ग्राम दी हुई है। ये सूटेबल है ऑल स्किन टाइप्स के लिए, आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें से बिल्कुल नीम जैसी खुशबू आती है। तो इसके पीछे उन्होंने जो बताया हुआ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने लिखा है कि इसकी जेंटली मसाज करनी है फेस के ऊपर पूरे, और 10 से 15 मिनट तक छोड़ देना है। उसके बाद फेस को वॉश कर लेना है। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि हो सकता है कुछ लोगों को इरीटेट करें। इसे यूज़ करने से पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। और इसकी की इंग्रेडिएंट्स बताई हुई हैं उन्होंने, नीम एक्सट्रैक्ट है, तुलसी एक्सट्रैक्ट है, फ्रेग्रेंस है। 2 ईयर आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाती है। और इसका प्राइस 99 रुपीज़ है। प्राइस इसका काफ़ी अफोर्डेबल है, तो काफ़ी अच्छी प्राइस में आपको अच्छी क्वांटिटी मिल रही है। तो मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। इसमें ऊपर उन्होंने लिड दी हुई है, जिससे प्रोडक्ट सेफ़ रहता है। और अंदर से देख सकते हैं आप, मैंने काफ़ी मात्रा इसकी यूज़ कर ली है। तो ये हल्के से लाइट ग्रीन कलर का है। इसमें पार्टिकल भी आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी माइल्ड से पार्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड पार्टिकल नहीं है। ये क्रीमी सा टेक्सचर है इसका, देख सकते हैं आप, बिल्कुल जैसे नीम होती है ना, नीम में कुछ डाला हुआ हो, कुछ पार्टिकल ऐसे लगता है, एकदम नीम की खुशबू आती है इसमें से। इसके एल्प्स गुडनेस का मेरे पास एक गोल्ड कलर का स्क्रब भी है, जो कि सन जो टैन को रिमूव करने में हेल्प करता है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो देख सकते हैं इसके पार्टिकल काफ़ी माइल्ड से हैं, बहुत अच्छा स्क्रब है ये। तो स्क्रबिंग करने से पहले सबसे पहले मैं अपने हाफ फेस को वेट कर लूंगी। और यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ गुड वाइब्स का टी ट्री फोमिंग फेस वॉश। इससे मैं अपने फेस को वॉश करूंगी सबसे पहले, और उससे पहले मैं अपने पानी के साथ फेस को वेट कर लूंगी। हाफ फेस पे स्क्रबिंग करनी है, लेकिन फेस पूरा वॉश करूंगी, स्क्रबिंग ही जस्ट हाफ फेस पे करनी है। तो फेस को अच्छे से वेट कर लूंगी मैं, और ये मैं फोमिंग फेस वॉश लूंगी। इसे मैं काफी दिनों से यूज कर रही हूँ। इसका रिव्यू अभी मैंने नहीं डाला है, रिव्यू भी मैं इसका जल्द ही अपने चैनल पे डालूंगी। सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। तो अब मैं फेस को वॉश करके आती हूँ। तो फेस को मैंने वॉश कर लिया है, हाफ फेस को मैं क्लीन कर लूंगी, इधर मैं स्क्रब नहीं करूंगी, और ये वाली साइड को ऐसे ही वेट रहने दूंगी। इसके ऊपर स्क्रब लगाएंगे हम। तो ये वाला जो नीम वाला मैं फेस स्क्रब यूज कर रही हूँ, काफी हद तक मैं इसको यूज कर चुकी हूँ, देख सकते हैं आप, खत्म होने वाला है। तो इसको मैं हाफ फेस के ऊपर अप्लाई कर लूंगी। इसमें से बिल्कुल नीम जैसी खुशबू आती है, जैसे प्योर नीम लगा रहे हैं हम। तो हाफ फेस के ऊपर लगा के इसको मैं अच्छे से 2 से 3 मिनट तक स्क्रबिंग करूंगी। तो अब मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से स्क्रबिंग कर ली है। अब मैं फेस को वॉश करके आती हूँ। तो अब मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, इस वाली साइड को
जिस इस वाली साइड पे मैंने स्क्रब किया था, तो आप देख सकते हैं स्क्रबिंग करने के बाद स्किन एकदम से क्लियर हो गई है, शाइन करने लगी है, डेड स्किन उतर गई है और ब्लैक हेड्स भी रिमूव हो गए हैं। इसमें काफी माइल्ड से पार्टिकल्स थे, तो ये स्क्रब काफी अच्छा है। स्क्रब डब चैलेंज का यही मतलब है कि आपको पता चल सके डिफरेंस की स्क्रबिंग करने से आपकी फेस से कितनी ज्यादा डर्ट ऑयल जो होता है, ब्लैक हेड होते हैं और डेड स्किन होती है वो निकल जाती है। तो बहुत अच्छा स्क्रब है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। अगर आप काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में कोई अच्छा सा स्क्रब ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा स्क्रब है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपको purple.com पे मिल जाएगा, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो इसके परचेज कर सकते हैं। ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि यही स्क्रब यूज़ कीजिए, अगर आपके पास कोई भी स्क्रब है आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरे फेस पे स्क्रब करना होगा। स्क्रब करने से आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाती है, हफ्ते में एक बार स्क्रब तो जरूर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो बार कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा स्क्रबिंग भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी स्किन पे एक्टिंग पिंपल्स है, एक्ने की प्रॉब्लम है, तो आपको स्क्रब अवॉइड करना होगा, स्क्रबिंग नहीं करनी होती है। आपको डॉक्टर से पहले पूछ लें कि आप स्क्रबिंग कर सकते हैं, तो फिर अगर वो कहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज एक्टिव पिंपल्स एक्ने है तो स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपने इंजॉय किया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होगा उसे जरूर दबाना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।